हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी जो साइंस वर्ग का सब्जेक्ट है, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं टॉप 30, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी का बस थोड़ा सा हमें सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए कि अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं वो सभी लोग भी क्लासेस को देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में वो साइंस के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है कि PCl5 अस्थाई अणु है जबकि NaCl नहीं है, क्योंकि क्या है? ऑप्शन दिया है कि नाइट्रोजन में कोई रिक्त डी कक्षक नहीं है, NaCl जी अस्थाई है, नाइट्रोजन परमाणु अत्यधिक छोटा है, नाइट्रोजन अधिक सक्रिय है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन में कोई रिक्त डी कक्षक नहीं है। नेक्स्ट है कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु है। पहला है घंटा धातु, मुद्रा धातु, काश धातु या गुआना धातु या गोल्ड। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, काश धातु। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ऑक्साइड को चिन्हित कीजिए जिसकी विशेषता उभयधर्मी है। ठीक, उभयधर्मी का मतलब वो मेटल का भी उभयधर्मी, धातु और अधातु दोनों के बीच वाला। CO2 है, SiO2 है, SnO2 है, कैल्शियम ऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणु में बंद कोण लगभग होता है 1 degree, 120 degree, 180 degree, 109 to 28, फिर 104, 104 degree, 30 K। एक कॉमा रहेगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का कौन सा गुण सीसे को काटने के लिए महत्वपूर्ण है? विद्युत का बुरा कुचालक, कठोर पदार्थ, घनत्व अधिक होता है, पारदर्शक होता है। तो हीरे का कौन सा गुण पूछा है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कठोर पदार्थ होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गुरुत्व कौन सा है? कैल्शियम, मोलिडियम, जिंक, मैग्नीज। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना कहलाता है, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, गलकन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भर्जन। इसको रोस्टिंग भी बोलते हैं। पाइराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं प्राप्त होती? AU यानी गोल्ड, सोडियम, सिल्वर और लेड। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता? जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम इज द करेक्ट आंसर। जो सोडियम होता है एक प्रकार की ऐसी धातु है, हाई रिएक्टिविटी होने के कारण इसे हम एक केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, नहीं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? कृत्रिम वर्षा करने के लिए या ऑप्शन ए आइस, NOH, AgCl या NH4Cl। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, AgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत होता है कितना परसेंट? 25%, 0%, 75% या 80%। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का जो प्रतिशत होता है 0% यानी 9 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन का गुण है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। करेक्ट ऑप्शन
सी क्लोरीन। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए कि आप सभी को समझ में आया कि नहीं, और जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। बस इतना सा आप सभी का हमें सपोर्ट चाहिए। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप सभी का इतना ही हमें सपोर्ट और हेल्प चाहिए, जो भी कहिए, प्यार दुलार कहिए, इतना ही बस चाहिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं, कितने क्वेश्चन 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए, जो भी पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो जो तत्व ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है वो है हीलियम। हीलियम एक क्या है, निष्क्रिय गैस है, जिसको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होता है, अमोनियम सल्फेट में, यूरिया में, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया में। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यूरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, वॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्साइट या गैलेना। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वॉक्साइट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, वॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन अणु में कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणुओं की अवस्था होती है। तो मीथेन अणु में षट्कोणीय चतुष्फलकीय त्रिकोणीय वर्ग समतली। तो जो मीथेन अणु होता है, मीथेन यानी मीथेन में कार्बन की संख्या क्या होगा, एथ मेथ प्रोपेन होता है ना, तो मीथेन हाइड्रोजन, ठीक, CH4। तो जिसमें पूछ रहा है मीथेन अणु में कार्बन के चारों ओर, यानी कार्बन ऐसे कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, तो चार होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, चतुष्फल की। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन अणु की आकृति है, एथिलीन अणु की आकृति है अष्टफल की, समतली, त्रिकोणी या चतुष्फल की। तो जो एथिलीन होता है उसका जो आकृति बनेगी समतली बनेगी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C2H4 की अणु की आकृति होगी, C2H4 यानी C2H4 की आकृति पूछ रहा है, यानी इसका संरचना कैसे बनेगा। तो अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो एक दो दो चार इधर हो गए, दो इधर भी दो जुड़ जाएंगे। तो इसका पूछ रहा संरचना कैसे बनेगा, समतली बनेगा, रेखीय बनेगा, सम चतुष्फलकीय, पिरामिड स्वरूपी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा C2H4 का, इसका भी कैसा बनेगा, समतली। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हेमेटाइट से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर कार्य करता है, धातुमल की बात, गालक की बात, एक अपचाय की बात या एक ऑक्सीकारक की बात। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, गालक की बात। नेक्स्ट है, जिंक के ZnO से धातुक्रमी निष्कर्षण में अपचायक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, किस तत्व की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है, जीनान की, हाइड्रोजन, पोटेशियम या हीलियम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CSO4 2H2O, CSO4 H2O 2 CaOH2O। तो इसका करेक्ट फार्मूला होता है CaSO4 1/2H2O, सी ए कैल्शियम, SO4 1/2H2O इधर करेक्ट ऑप्शन। तो इसको यहाँ पे बस 1/2 कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के लिए सत्य कथन है,
ये अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इनमें गलनांक कम होते हैं, ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ये रंगीन आयनन नहीं देते, आयन नहीं देते। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संक्रमण तत्वों के लिए, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है, सभी खनिज अयस्क होते हैं? कोई अयस्क खनिज नहीं होता, सभी अयस्क खनिज होते हैं, कोई खनिज अयस्क नहीं होता है। तो जो सभी अयस्क होते हैं, खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जब आप क्लास टेंथ में पढ़ेंगे ना तो उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कास्टिक सोडियम में अघुलनशील है, एफ ई सी एल थ्री, एस एन ओ टू, या फिर जेड एन ओ, या ई एस टू ओ थ्री। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एफ ई सी एल थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, कार्नेलाइट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मैग्नेटाइट है, मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है लेकिन मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कार्नेलाइट सभी क्या है, मैग्नीशियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व वो है क्लोरीन। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम के विद्युत निष्कर्षण में क्रोलाइट प्रयोग करने का उद्देश्य है, बॉक्साइट को घोलना, एनोड को सुरक्षित रखना, औपचारिक क्रम में अधिक एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए। एल्युमिनियम के विद्युत निष्कर्षण में क्रोलाइट का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट को घोलना है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म निम्न में से कौन से कास्ट से बना होता है, कठोर कास्ट से, पायरेट कास्ट से, क्रूप्स कास्ट से, या फ्लिंट कास्ट से। तो जो प्रिज्म होता है फ्लिंट कास्ट से बना होता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, समुद्री घास किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन का, आयोडीन का, फ्लोरीन के, या ब्रोमीन का। तो जो समुद्री घास होता है सबसे ज़्यादा आयोडीन का स्रोत होता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तनु अम्ल पर किसकी क्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है, PbO2 की, Na2O2 की, MnO2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, TiO2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम ऑक्साइड, Na2O2। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में ए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। बस आप सभी से हमें बस इतना ही सपोर्ट चाहिए और मैं आप सभी के लिए पर डे प्रैक्टिस प्रोवाइड करूँगी। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।